बामन भगवान आते हुए मेरा बेटा बामन भगवान अवतार बनाए वंश लक्ष्मी मेरे इंट्रो में देखी है मेरी फ्रेंड सुबह ही सुबह आ गई है बढ़िया रहा वो कल नहीं आई थी भागवत में कही अब आ जाइए पहले दिन भागवत में तू बैठी नहीं तो गाइस आज हम दिखाई देंगे आपको पूरे ब्लॉग में लक्ष्मी दिखाई देगी और भी और आज ना भागवत में बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है नंदोत्सव है आज नंदोत्सव की वीडियो आप लोगों को मिलेंगी और घर परिवार की हमारी पूरी इंजॉय भरी बढ़िया एकदम ब्लॉग आएगा पूरा एंड तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ ऊपर शास्त्री जी को खाना वाना खिलाने हलवाइयों को देखने और उन्होंने क्या क्या तैयारी की है वो सारी देख के हालत हो गई है सुबह से ख़राब क्योंकि रात को 1 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे मम्मी हल्ला मचाने लग जाती हैं 4 बजे से तो फिर भी मैं 2 घंटे खींच जाती हूँ 6 बजे उठ के सब्जी लेकर आई मंडी से और उसके बाद फिर हलवाइयों को सब बताया है तो चलिए अब शास्त्री जी को कराते हैं खाना पीना और उसके बाद आप लोग वीडियो वॉच करते रहिए एंड तक ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को वीडियो देखें तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर दबाया करिए आप लोग सब्सक्राइब करिए विजिट अगर पहली बार मेरे चैनल पर आप लोग कर रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल ही मत जाइएगा और फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर और लक्ष्मी की आईडी को फॉलो करिए आईडी का नाम बता दीजिए लक्ष्मी जी आपकी आईडी क्या है इंस्टाग्राम पे गावर लक्ष्मी गावर GAWAR तो वहाँ आप फॉलो करिए मेरी फ्रेंड को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग तो यहाँ पे चलिए बिछा लेते हैं अब ये पट्टी सी लगा लेते हैं हम एक तरह से तो ऊपर छत पे हमारे ऊपर का जो फ्लोर है बस खाना पीना यहीं चलता है तो बस शास्त्री जी और शास्त्री जी के साथ जो उनके जो भी हैं हेल्पर जो भी उनकी मदद करते हैं पूजा पाठ में सबके लिए खाना लगाना पड़ता है 10 बजे तक सुबह 10 बजे तक और बाबा को भी दे दिया है साथ में बाबा से कर रही हूँ थोड़ी सी मजाक में भाई हमारे यहाँ ये सब चलता रहता है अच्छा लगता है यहाँ पे सिक रही है पूड़ियाँ गर्मा गर्म भैया लोग बनाने लग रहे हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना और यहाँ पे भी बस चल रहा है काम आलू क्यों बाल रहे शाम के लिए सैलेड कट गई है और ये सब्जियाँ यहाँ तो गाइस यहाँ पे रायता है तैयार और यहाँ पे क्या नाम होता है सब्जी का है गाइस भंडारे वाली गड्ढे की सब्जी हमारे यहाँ बनाई जाती है मथुरा में तो ये देखिए गड्ढे की सब्जी बोलते हैं इसको गाइस यहाँ पे वंशी लेकर आई है गोपी ड्रेस और ये आज नंदोत्सव में ये पहनेगी इसकी मौसी दिला के लाई है इसको ये गोपी वाली ड्रेस और नंदोत्सव और मानवी पहन रही है ये वाला आज नंदोत्सव में सब येल्लो कपड़े पहन रहे हैं लगभग और मौसी पहन रही कौन मौसी दिखाइए कौन सी पहन रही है ले भैया ये भी ले आई अपने लिए और हम भी पहनेंगे ऐसे तुम ही से क्यों पहन रही है तो ना येल्लो नहीं लाई मैं कोई भी येल्लो ड्रेस नहीं येल्लो मैंने स्टार्टिंग में पहन लिया था उस दिन कलश यात्रा वाले दिन अब अच्छा लगा तो पहन लूंगी भाई नंदोत्सव की तैयारी चल रही है हमारे घर में ड्रेसेस ले आए ये लोग तो भाई नहा के आ गई हूँ बट अभी तैयार नहीं हुई हूँ तैयार होंगी अभी नंदोत्सव के लिए क्योंकि बज गए हैं 2 दिन के और अब पहले खाएंगे खाना और उसके बाद होंगे रेडी पहले खा लेते हैं पहले टाइट हो गया है तो उसकी जरा फिटिंग करा रहे हैं तो अभी ड्रेस रेडी नहीं है ड्रेस अभी रेडी करेंगे तब अच्छे से पहनेंगे टेलर मास्टर ये बैठे हैं हमारे टेलर मास्टर ये बैठे हैं इन पे ठीक करवा रहे हैं हम टेलर मास्टर पे तो फिटिंग पहले ये खा रहे हैं कि साइज शायद और बढ़ जाए
फिर एक्चुअल फिटिंग आएगी और ऑल्टरेशन का मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, अब यहाँ आगे हो रही है सारी गड़बड़े। चलिए पहले खा लेते हैं। छोड़ो भी जाने। तो गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं भागवत कथा की, आप लोगों को आ रही होगी आवाज, और बस जा रही हूँ मैं भागवत कथा में। आज कन्हैया का जन्म होना है और बस हम लोग रेडी हो गए, मैं और लक्ष्मी जा रहे हैं अब। देखिए बढ़िया लग रहे हैं हम, तैयार वैयार हो गए, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब देखेंगे आप लोग कन्हैया का जन्म। चलिए मौसम भी वही हो रहा है, मौसम हो गया बिल्कुल जैसे कि भगवान का जन्म हुआ था ना, इस तरीके से आंधी तूफान आने लग गया है, तो बिल्कुल वही वाला मौसम हो गया है। और आवाज़ भी कम आ रही होगी आप लोगों को, देखिए आंधी आ गई बिल्कुल। गेट बंद कर, गेट लगा, भाई देखिए आवाज आ रही है आपको, कन्हैया का जन्म होगा आज। बहुत ही सुंदर आप व्यू देखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर सीन देखेंगे। गाइस बारिश आ गई है एकदम तगड़ी वाली, बहुत ही बारिश आ गई है, सभी लोग पंडाल के अंदर आ गए हैं, बिल्कुल स्टेज पे आ गए हैं और बहुत तगड़ी बारिश आ गई है। अब देखेंगे, वैसे थोड़ी बहुत देर जन्म का टाइम होने वाला है, लेकिन बारिश आ गई बहुत तेज। आज कन्हैया का जन्म है और उन्होंने इतनी तेज बरसात कर दी, बहुत ही तेज, सभी लोग उठ के अंदर आ गए, बिल्कुल ब्यास जी के आसपास बैठे हैं सभी, मंदिर है क्या हमारा, इसमें भी अंदर आ रहे हैं सभी लोग। चलो अब देखते हैं क्या होता है। और देखिए बच्चे फुल मस्ती करते हुए। तो आइए देखिए सारे बच्चों को, इनको मेरी वीडियोस देखनी है, अब ये सारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ओके एमएस ब्लॉग्स, और ये खूब मस्ती मार रहे हैं यहाँ पे, देखो खूब एंजॉय कर रहे हैं। कथा चल रही है। बामन भगवान आते हुए, मेरा बेटा बामन भगवान अवतार बना है वंश। विष्णु जगत में परिचार है।
वसुदेव जी बन रहे हैं कब से। Oh,
Oh,
बिहार जी प्रसाद के कोई न जावे अधर्म का प्राणियों में मृत्यु का गौ हत्या गौ माता की बोलो भाग्य बिहारी लाल की बोलो श्री राम वृंदावन धाम की बोलो जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। कोई भी बिना आरती प्रसाद के नहीं वही तो गाइस यहाँ हो रहा है प्रसाद वितरण, बस हो गई है आरती कंप्लीट। तेरी बना रही और नहीं है हमारे वीडियो में आए बारे